Hello friends, my name is Sumit Sharma and welcome to my channel. Today again we have an article from Hindustan Times and it is a short article. So here it is written, three nabbed juvenile detained for killing man in Tilaknagar. So upper word are three nabbed. Nab word is made up of nab. Nab ka matlab hota hai pakad lena. जब पुलिस किसी को पकड़ लेती है, चोर को या बदमाश को, डाकू को, किसी भी क्रिमिनल को, तो उसे नैब कहते हैं और इसकी पास्ट फॉर्म नैब्ड हो जाती है. थर्ड भी यही रहेगी. नैब्ड. सो तीन लोग नैब हो गए हैं, पकड़ लिए गए हैं, दबोच लिए गए हैं. जुवेनाइल क्या होता है? जुवेनाइल होता है एक जुवेनाइल मीन्स माइनर मीन्स नाबालिग. जो 18 साल से कम की उम्र का होता है, द पर्सन हु इज नॉट अडल्ट इज कॉल्ड जुवेनाइल और यू कैन से माइनर. तो उसे हम जुवेनाइल या फिर माइनर कहते हैं. सो जुवेनाइल डिटेन्ड. डिटेन का मतलब होता है डिटेन मीन्स टू टेक इन कस्टडी. जब पुलिस किसी को कस्टडी में रख लेती है अपने पास पूछताछ के तौर पर, तो उसे कहते हैं डिटेन कर लेना. सो जुवेनाइल जो है उसको डिटेन कर लिया है, तीन लोगों को पकड़ लिया है. एंड जुवेनाइल डिटेन फॉर किलिंग. फॉर मतलब के लिए, किलिंग मतलब मारने के लिए, किल होता है जान से मारना. दो वर्ड होते हैं मारने के लिए, किल और बीट. बीट का मतलब होता है जब हम किसी को पीटते हैं डंडे से, हाथ से, छड़ी से. और किल का मतलब जब हम किसी को जान से मार देते हैं, सो उसे हम किल कहते हैं. आगे पढ़ते हैं. सो डिटेन फॉर किलिंग मैन इन तिलक नगर. सो एक व्यक्ति की मौत के लिए उन तीनों को और जुवेनाइल को तिलक नगर में पकड़ लिया गया है. नाउ न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली की बात है, तिलक नगर न्यू दिल्ली में पड़ता है. अ डे आफ्टर अ मैन वॉज रॉब्ड एंड किल्ड. एक दिन के बाद, उस दिन के बाद, अ डे आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, अ मैन वॉज, एक व्यक्ति रॉब्ड. अ मैन वॉज रॉब्ड. रॉब वर्ब होता है रॉब, जिसका मतलब होता है लूटना. सो रॉब की पास्ट फॉर्म आपकी रॉब्ड हो जाती है. इसकी सेकंड और थर्ड भी रॉब्ड ही रहेगी. सो उसको लूट लिया गया है एंड उसको किल कर दिया गया है. एंड किल्ड. एंड हिज फ्रेंड ग्रीवियसली हर्ट. यहाँ पर वर्ड आया ग्रीवियसली. ग्रीवियसली वर्ड आपका पहले तो ग्रीफ से बनता है. ग्रीफ का मतलब होता है दुख या फिर कष्ट, दुख या कष्ट. सो ग्रीफ से वर्ड बनता है ग्रीवियसली. ग्रीवियसली मतलब बड़े ही कष्ट से, कष्टदायक पूर्ण से, कष्टदायक ढंग से. सो बहुत ही बुरी तरह से आप कह सकते हो. ग्रीवियसली हर्ट. हर्ट मतलब चोट लगी है उसके, जख्मी हुआ है. हर्ट बाय थ्री अनआइडेंटिफाइड मैन. बाय मतलब होता है द्वारा, तीन लोगों के द्वारा जो कि अनआइडेंटिफाइड है. एक वर्ड होता है आइडेंटिफाइड मीन्स पहचाने हुए, जिन्हें जानते हैं हम. सो दीज आर आइडेंटिफाइड पीपल. जैसे मेरे कोई पांच दोस्त हैं तो मैं कहूँगा दीज आर आइडेंटिफाइड. तो इन्हें मैं जानता हूँ, ये पहचाने हुए हैं. और अनआइडेंटिफाइड मीन्स जिन्हें हम नहीं जानते हैं. अनआइडेंटिफाइड अनजाने लोग. सो तीन अनआइडेंटिफाइड लोगों के द्वारा उसको हर्ट किया गया है, उसको चोट जख्मी हुई है और उसका मर्डर भी उसी तीन लोगों के द्वारा हुआ है. थ्री अनआइडेंटिफाइड मैन इन वेस्ट दिल्ली तिलक नगर. सो दिल्ली के वेस्ट में पड़ता है और तिलक नगर, ये दिल्ली के बाद ये अपोस्ट्रोफी लगाई गई है. हम चलो इसे सीखते हैं पहले कैसे यूज़ होता है ये. इसे हम अपोस्ट्रोफी बोलते हैं और फिर इसके आगे हम एस लगाते हैं, जिसका मतलब होता है का, की या फिर के. जैसे हम किसी भी नाउन के आगे इसको लगाएंगे. जैसे मैं कहता हूँ दिस इज़
इज राहुल्स, अपोस्ट्रॉफी यहाँ लगाऊंगा, एन एस, दिस इज राहुल्स कार, ये राहुल की कार है। सो ये राहुल का बन गया यहाँ पर, अपोस्ट्रॉफी और एस लगा है। इसी तरह से आप कुछ भी बना दोगे, जैसे सॉरी रवीज बाइक, कार्स कीज, कार की चाबियाँ। उसी तरह से दिल्ली, यहाँ पर जो लिखा हुआ है दिल्ली का तिलक नगर, सो दिल्ली के तिलक नगर में वो कांड हुआ है। पुलिस ऑन थर्सडे, सो थर्सडे के दिन पुलिस सेड दे हैव अरेस्टेड, उन लोगों ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, दे हैव अरेस्टेड ऑल थ्री एंड डिटेन्ड अ जुवेनाइल। सो उन तीनों को भी अरेस्ट कर लिया गया और उनके साथ एक डिटेन किस व्यक्ति को किया है, जुवेनाइल को, जो कि माइनर है। जुवेनाइल जो अभी मैंने आपको बताया था, डिटेन मतलब उसको कस्टडी में ले लिया गया है। अ जुवेनाइल अकम्प्लिस, यहाँ पर एक और वर्ड अकम्प्लिस, अकम्प्लिस का मतलब होता है सहभागी, द पर्सन हु हेल्प्स यू टू डू समथिंग, जब कोई व्यक्ति आपकी किसी काम में मदद करता है तो वो सहभागी कहलाता है, अकम्प्लिस कहलाता है। तो वो जो जुवेनाइल है, जुवेनाइल वो आपका अकम्प्लिस है। पीपल सेड द अटैक वॉज, सॉरी पुलिस सेड द अटैक वॉज प्लैंड, पुलिस सेड द अटैक वॉज प्लैंड। सो पुलिस कहती है कि जो अटैक था वो प्लैंड था, पहले से ही प्लान कर रखा था, एज रिवेंज। रिवेंज क्या होता है, रिवेंज मीन्स बदला या प्रतिशोध, जो हम बदला लेते हैं रिवेंज। सो जो अटैक जो हुआ है वो रिवेंज है, रिवेंज के लिए ही उसकी जान ली गई है और उसको लूटा गया है। बाय वन ऑफ द अरेस्टेड सस्पेक्ट, सस्पेक्ट क्या होता है, जिस पर हम शक करते हैं, सस्पेक्ट मीन्स शक के दायरे का व्यक्ति, सो हु वॉज एन एम्प्लॉय, हु वॉज, हु यहाँ पर जो के सेंस में हुआ है, जो, हु वॉज, जो वॉज एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय था ऑफ द मैन हु सर्वाइव्ड द अटैक। सो जो व्यक्ति बच गया है, उसके साथ जो हर्ट किया गया उसके अंडर का वो एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय ऑफ द मैन हु सर्वाइव्ड द अटैक एंड वॉज सैक्ड रिसेंटली, और उसको बुरी तरह से सैक कर दिया गया था। सैक मीन्स टैग वॉज सैक्ड रिसेंटली, सैक्ड, हाँ, सो सैक्ड मीन्स अब सैक्ड मीन्स होता है जिसे लूटा गया है, सैक कर लिया गया, लूट दिया, और सैक का मतलब किसी को निकाल देना भी होता है, जब हम उसकी पोजीशन से उसको निकाल देते हैं उसको ऑल्सो हम सैक्ड कहते हैं। सो रिसेंटली मतलब अभी अभी, रिसेंटली उसको जो सैक किया गया था, अभी अभी का मतलब वो पिछले कल ही, कल के दिन ही रिसेंटली सैक्ड हुआ है। वाइल वन जुवेनाइल अकम्प्लिस वॉज ऑल्सो एप्रीहेंडेड, सो जो एक जुवेनाइल अकम्प्लिस है, सहभागी है, जो माइनर सहभागी है, उसको क्या कर लिया गया है, वॉज ऑल्सो एप्रीहेंडेड। एप्रीहेंडेड मतलब एप्रीहेंडेड का मतलब होता है गिरफ्तार कर लेना, सो उस जुवेनाइल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, अप्रीहेंडेड। पुलिस सेड दे आर ऑन, सो यहाँ पर देखो दे आर ऑन शॉर्ट में लिखा है, दे कॉमा आर, तो इसको हम फुल में कैसे लिखेंगे, दे आर, और इसको पढ़ेंगे कैसे हम, दे आर, डायरेक्ट आपको जल्दी से पढ़ना है दे आर और दे आर, इसे पढ़ेंगे दे आर, इसको पढ़ेंगे दे आर। सो पुलिस सेड दे आर ऑन द लुकआउट, लुकआउट का मतलब होता है, लुकआउट मीन्स जो अभी ढूंढा जा रहा है, जैसे कि वो व्यक्ति ढूंढे जा रहे हैं। पुलिस सेड दे आर ऑन द लुकआउट फॉर अनदर सस्पेक्ट, जो बाकी के सस्पेक्ट है, दूसरा सस्पेक्ट है, वो लुकआउट पर है, उसको भी ढूंढा जा रहा है। हु इज़ ऑन द रन, हु इज़ ऑन द रन
मीन्स जो फरार है, इज ऑन द रन का मतलब होता है फरार, लाइक अ क्रिमिनल इज ऑन द रन, इट मीन्स दैट वह फरार है. सो दिस वॉज एन आर्टिकल फ्रॉम द हिंदुस्तान टाइम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल कीप गिविंग यू वीडियोज़ एंड